ना यार, बहुत अजीब ही बंदा था। धक्का भी उसने दिया और जब मैंने उसे रोका तो रुका भी नहीं। और जब मैंने उसे पागल कहा ना तो एक ही बात रटने लगा कि मैं पागल नहीं हूँ, तुमने तो अभी मुझे पागल कहा ना। मैं तो डर ही गई थी, कैसे कैसे करके अपनी जान बचा के आई हूँ। कहाँ तो ऐसे लोग के मुंह लगती है रिया, न्यूज नहीं देखा क्या तूने? वो साइको किलर अब तक 3 मर्डर कर चुका है, उसके बाद से तो किसी अनजान से बात करना भी सही नहीं है ना। ये अजीब माइंडसेट होते हैं ना इनके, ऐसे बेवजह तो किसी को नहीं मारते होंगे ना ये। हाँ ना, मैं तुझे वजह पूछ के बताती हूँ। अच्छा, मैं तुझे फ्री होके कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ओके बाय। शिट। अरे यार, मेरी भाजी। और ऐसे अंदर कैसे आए? देखो, मेरे पास मत आ। मार देगा तुमको, बस मैं पहुंच रहा हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। उन तीनों को भी तो पागल लगता था, मैं तो लगता था। कहाँ से मैं पागल लगता हूँ? कहाँ से मैं लगता हूँ पागल? तुमने भी तो मुझे पागल कहा था, तुमने मुझे पागल कहा था, याद आया?
मेरे एक सवाल का जवाब दो और जाओ। मैं पागल हूँ या नहीं? उस दिन तुमने कहा था मैं पागल हूँ, और अब नहीं? तू मरना होगा। रिया, ओपन द डोर रिया। आई एम सो सॉरी, आई प्रोमिस इसके बाद ऐसा प्रैंक कभी नहीं करूंगी। हर बार का मजा आ रही है ये, पता है ना न्यूज पे क्या चल रहा है? न्यूज देखने के बाद ही तो ये आइडिया आया। मेरी जानकारी के अनुसार ये किलर अब तक 3 लोगों का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर चुका है। कौन मार देगा? चीट रिया। अच्छा बाबा सॉरी ना, पहले अंदर आओ। ये घटिया प्रैंक था ये। अच्छा वो सीरियल किलर सच में होता तो डाब रिया।